वो दिन दूर नहीं जब गोला नदी पर जमराधी बांध बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पेश है रिपोर्ट। नैनीताल में काट गोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर 150.60 मीटर ऊंचाई पर जमरानी बांध का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए केंद्र सरकार से उत्तराखंड राज्य सरकार को मिली 1,730 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दे दी है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बांध परियोजना के निर्माण से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल समेत सिंचाई की समस्या का हल हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ का प्रवास हुआ, उस प्रवास के दौरान भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तराई भावर की इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या पेयजल और सिंचाई की है वो समाप्त होगी। इस योजना के स्वीकृत होने से जहाँ पेयजल की समस्या समाप्त होगी, सिंचाई की भी और फसलों के लिए किसानों को भी इसके लिए बड़ा लाभ होने वाला है, साथ में विद्युत उत्पादन भी इस योजना से होगा। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, सभी की ओर से बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लंबे समय से रुकी हुई इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। जमरानी बांध परियोजना की कल्पना 1970 के दशक में की जा चुकी थी, हालांकि इसे धरातल पर शुरू करने में सालों लग गए। वहीं अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार हर बार हमें बहुत सी चीज़ों के लिए हमें सहयोग करती है। जमरानी बांध बहुत पहले से जिस प्रकार से पेंडिंग था, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी बांध हो उससे हमें लाभ मिलता ही है। इसके स्वीकृति के बाद जहाँ हमें विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और उसी प्रकार आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें जो बेरोजगारी है उससे भी जनता को, लोगों को लाभ होगा, रोजगार इससे बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, लगभग ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूं। हर बार वो हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। उत्तराखंड राज्य वासियों के लिए और जो हमारा हल्द्वानी नैनीताल का जो तराई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए जमरानी बांध एक संजीवनी के रूप में काम करने वाला है। वर्षों से जमरानी बांध के लिए मांग चल रही थी, समय समय पर केंद्र से उसके लिए सिफारिश भी की गई, तमाम तरीके के जो भी उनकी रिपोर्ट्स थी उसका आकलन किया गया। अब ये केंद्रीय योजना के तहत स्वीकृत हुई है, तो ये हमारे सब के लिए बहुत गौरव का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है कि केंद्र सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जमरानी बांध में 90% केंद्र का निवेश करने का जो उन्होंने अनुग्रह स्वीकार किया है, केंद्रीय कैबिनेट में इसको स्वीकार किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बात करें इस परियोजना से मिलने वाले फायदे की, तो परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही इस परियोजना से हल्द्वानी शहर को सालाना 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराए जाने और 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान भी है। करोड़ों रुपए के खर्च से बनने वाली इस जमरानी बांध के निर्माण को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द निर्माण का काम पूरा कर हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट।